जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि 5 नए चैनलों ने ले लिया है फैसला और पहली बार आएंगे 75वीं ऑक्शन में 1 अप्रैल से, और वो भी डीडी फुटेज पर भी। और ये कौन से होने वाले हैं हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इससे पहले स्वागत है आप लोगों का डीटीएच के पंडित यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त शिवम शर्मा आज आपको एक डीडी फुटेज की नई अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पर उससे पहले अभी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अपडेट मिलती रहती है। तो जो 5 नए चैनल होने वाले हैं जो कि डीडी फुटेज पर आपको पहली बार देखने के लिए मिलेंगे इस 1 अप्रैल से, वो होने वाले हैं आप लोगों के मन पसंदीदा नए चैनल जो कि अभी लॉन्च होंगे। बात करें उन चैनल्स की, तो डीडी फुटेज के ग्राहकों को हमेशा उम्मीद रहती है कि डीडी फुटेज पर नए नए चैनल आएँ, और डीडी फुटेज ने अपनी 75वीं ऑक्शन की अनाउंसमेंट की है और इस ऑक्शन में कुछ नए चैनल भी भाग लेंगे। वो 5 चैनल होने वाले हैं जो कि इसी ऑक्शन में पहली बार भाग लेते हुए दिखाई देंगे और वो डीडी फुटेज पर भी आने चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन चैनल्स की। तो उनमें से जो हमारा नंबर वन पसंदीदा चैनल, पहले नंबर वाला मन पसंदीदा चैनल रहने वाला है, वो होने वाला है आप लोगों का शेमारो ग्रुप का शेमारो बॉलीवुड। ये शेमारो का बॉलीवुड मूवीज चैनल रहने वाला है, इसका जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और जैसा कि हमें पता ही है कि शेमारो ग्रुप के पास कितनी सारी बॉलीवुड फिल्में हैं जिसको वो अपने इस चैनल पर दिखाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि शेमारो के सारे चैनल डीडी फुटेज पर उपलब्ध हैं, तो ये भी शेमारो का ये चैनल भी डीडी फुटेज पर उपलब्ध होगा इस 2024 में। बात करें हमारे दूसरे चैनल की, तो जो दूसरा चैनल रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का शेमारो क्लासिक। ये शेमारो का इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शेमारो ग्रुप का क्लासिक फिल्मों का यानी कि ओल्ड फिल्मों का चैनल है। शेमारो के पास ओल्ड फिल्मों का भंडार है जिसको कि अपने इस चैनल पर दिखाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको भी ये डीडी फुटेज पर ही भी आएगा इसी ऑक्शन में। बात करें तीसरे चैनल की, तो तीसरा चैनल रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का रैपचिक। रैपचिक ने तो अपने प्रोमोज में भी दिखाना शुरू कर दिया है कि ये डीडी फुटेज पर जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और ये भी एक अच्छा भोजपुरी मूवीज चैनल है। बात करें चौथे चैनल की, तो जो चौथा चैनल है वो है इंडिया अहेड न्यूज़ हिंदी। ये एक न्यूज़ चैनल है और इसने भी प्रोमो में दिखा दिया है कि डीडी फुटेज पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका प्रोमो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसे डीडी फुटेज पर जल्द ही लाया जाएगा। बात करें पाँचवें चैनल की, तो जो हमारा पाँचवा चैनल रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का मूवी प्लेक्स। ये मूवी चाहे एक हिंदी मूवी चैनल रहने वाला है जिसका कि एक सिस्टर चैनल डीडी फुटेज पर भी उपलब्ध है जो कि है मूवी प्लस, और इसे स्वामी फिल्म्स द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। पर मूवी प्लस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो डीडी फुटेज पर इसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सिस्टर चैनल ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा। बात करें बोनस अपडेट्स की, तो आप धूमा मूवी का आनंद आज ले सकोगे ले पाओगे सोनी वाह पर। इसी के साथ साथ अब जवान मूवी का आनंद ले पाओगे आज जी सिनेमा पर, और ये एक अच्छी फिल्म है। तो डीडी फुटेज से रिलेटेड ऐसी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स।